हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन फ्रेंड्स दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस वीडियो दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट इज़ वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ईएसआई पार्ट ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था हिस्ट्री और ग्रीवेशन क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज सो लेट्स मूव टू द स्लाइट तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट था इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो ग्रेन आउटपुट की बात करी जाए तो वन थर्टी वन मिलियन टन्स इन द ईयर नाइनटीन सेवनटी एट टू नाइनटीन सेवनटी नाइन एंड इट वॉज इंडिया इज अ वन ऑफ़ द वर्ल्ड बिगेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर तो नाइनटीन सेवनटी एट जब आपका सेकेंड फेज चल रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का तो उस टाइम के प्रोडक्शन ग्रेन का बहुत ज़्यादा बढ़िया था ऑलमोस्ट वन थर्टी वन मिलियन टन्स जिसको जिस वजह से इंडिया को एक वर्ल्ड का बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर बना दिया और हम अगर हम देखें 1966 थे प्रोडक्शन और येल्ड में क्या चेंज आया 1966 76 86 और 2021 तू 22 यहाँ तक देखेंगे पहले था आपका 74 मिलियन टन्स देन 121 आपका 143 200 217 275 और 21 22 में था आपका 315 मिलियन टन्स तो आप देख सकते हैं कि 1966 और 1977, 1976 में कितना डिफरेंस आया पहले था आपका 74, फिर हो गया आपका 121। प्रोडक्टिविटी की बात करी जाए यानी कि पर हेक्टेयर में आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना के जी प्रोडक्शन हो रहा है इसकी बात अगर हम करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्स फोर्टी पर हेक्टेयर जो कि नाइनटीन में था यह नाइनटीन तक आते आते थाउजेंड का मार्क क्रॉस कर चुका था यानी कि आपका जो वन टन वन टन पर हेक्टेयर ऐसा कुछ मार्क कर गया था अभी की बात करें तो 2,419 केजी पर हेक्टेयर यील्ड है फूड ग्रेन का इन इंडिया चलिए अब देखते हैं कि राइस और वीट की प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आया राइस और वीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रीन रेवल्यूशन में बेसिकली मेन फोकस राइस और वीट पर ही दिया गया था और बात करी जाए कि कौन से ऐसे स्टेट्स थे जिसमें ग्रीन रेवल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था मेनली आपके पंजाब हरियाणा एंड यूपी और इसमें से पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा ग्रीन लोशन का इफेक्ट दिखाई देता है चलिए अब देखते हैं नाइनटीन से स्टार्टिंग फ्रॉम नाइनटीन आपका ये है राइस और ये आपका वीट ऑलमोस्ट सेम था yield. अगर आप हम देखेंगे नाइनटीन में ये थाउजेंड का मार्क क्रॉस कर चुका था वीट एंड राइस और ये आते आते 2020 एंड 21 में अगर आप देखेंगे तो राइस की प्रोडक्टिविटी 2717, 2717 केजी पर हेक्टेयर है एंड वीट की प्रोडक्टिविटी 3521 केजी पर हेक्टेयर यह है आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट तो आप देख सकते हैं कि यह एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ से नाइनटीन से देखेंगे तो ग्राफ एकदम सीधा गया है क्यों ड्यू टू दवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड हाई यंग वराइटीज जो कि हाईली रिस्पॉन्सिव है ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इनपुट वोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अब देखेंगे कि एक, एक और एडवांटेज है इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का इंक्रीज इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स पर एन इन इंडिया और ये डेटा आपका दो हजार का तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ग्रीन रेवल्यूशन का कि जो पर कैपिटा अवेलेबलिटी है उसको इंक्रीज करना तो उसको भी ऑलमोस्ट अचीव किया अगर आप देखेंगे नाइनटीन में तो पर केविटा अवेलेबिलिटी थी वन फोटी पर एयर पर परसन और ये जाके आपका इंक्रीज होते होते अभी 2021 में 186 केजी पर एयर ये फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है इन इंडिया चलिए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन और कौन कौन से ऐसे इंपैक्ट थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री थी जहाँ पे एग्रीकल्चर एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है उसका ग्रोथ हुआ जो आपके मशीनरी है केमिकल इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिला इसके साथ साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर को करने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन हैं आपका वीडिंग हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया आपका हार्मीसाइड अप्लीकेशन हो गया सीड सोइंग लैंड प्रप्रेशन हारवेस्टिंग तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो रूरल एरिया में रूरल के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया ग्रीन डोवलेशन ने तीसरा फार्मर इनकम को इंक्रीज किया फोर्थ इंडिया का बफर स्टॉक जब 1965 में सी आया सी और जो एफ आया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक का जो वेयर हाउस है वहाँ पे बफर स्टॉक को रखना फॉर फूड सिक्योरिटी अगला है टू इट इंक्रीजेज इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल अफेयर्स सिक्स्थ एग्रीकल्चर इज़ अब अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो ये एज ए बिजनेस की तरह कंसिडर किया जाता है और बहुत सारे ऐसे आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जॉब जो को छोड़कर एग्रीकल्चर की तरह शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट है अगला नेक्स्ट स्लाइड right, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट थे ग्रीन रेवल्यूशन के और ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर हम बात करें जब भी ग्रीन रेवल्यूशन की बात होती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है पहली चीज सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ डिक्रीजेस ये तो बिल्कुल साफ बात है अगर आप मिट्टी में इतना सारा केमिकल फर्टिलाइज़र हर्बिसाइड साइड फनजी इतना सारा केमिकल का अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी फ़र्टिलिटी या जो उसकी हेल्थ है बायोलॉजिकल हेल्थ है जो उसमें माइक्रो ऑर्गेवस रह रहे हैं उनकी ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा सॉइल की फ़र्टिलिटी उसका पीएच जो है एसिडिटी सेलिनिटी सब में इफेक्ट पड़ेगा जैसे मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं एसिडिटी के नेचर वाले जो फर्टिलाइजर है अमोनिकल फर्टिलाइज़र मान लीजिए राइस में आप अमोनिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं दैट इंक्रीजेज द एसिडिटी तो इससे क्या होगा कि सॉइल की जो बेसिक जो ऑर्गेनिक मैटर थे उसमें भी ये हेम्पर करेगा अगला पॉइंट है लो प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूअर्स आपको पता होगा कि सेमी डॉफ वेराइटीज़ की यूज़ होता है आजकल तो सेमी ड्राफ वेराइटी में जो बायोमास यील्ड है का प्रोडक्शन है वो कम होता है जो कि एज ए फीड दिया जाता है कैटल्स को जो गाय हैं जो पशुएँ हैं उनको खिलाया जाता है बट अब क्या उसका प्रोडक्शन कम हो गया जिसकी वजह से और ट्रैक्टर ने भी रिप्लेस कर दिया अब तो इस वजह से क्या अब जितना भी मेन्यूर्स का प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया और जो ऑर्गेनिक इनपुट है जिसको यूज़ किया जाता है तो वो भी कम हो गया सिक्सटीन नाइनटीन सेवेंटी की बात करी जाए तो एक केजी का फर्टिलाइज़र यूज़ करने से थर्टीन पॉइंट फोर के ऑफ ग्रेन्स आउटपुट मिलता था पर अब क्या है कि अगर आप एक के जी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं टू थाउजेंड फाइव की बात हो रही है तो आपको सिर्फ थ्री पॉइंट सेवन के जी य मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने इफ़ेक्ट किया है सॉइल की हेल्थ को अगला है पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो हम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इसका पॉल्यूशन होता है हेल्थ हिजार्ट अगर हम बात करें हेल्थ से रिलेटेड बात करी जाए पंजाब की तो सबसे ज़्यादा कैंसर रेट केसेज़ हैं पंजाब में वन लाख पीपल्स में नाइन्टी नाइन पेशेंट्स कैंसर के रोगी हैं नेशनल का एवरेज जो है आपका एट्टी पर वन लाख इससे भी ज़्यादा है पंजाब का तो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएसन होगी है पंजाब की अगला है एडवांसमेंट इन द रेसिस्टेंस एंड चेंज इन स्ट्रेन इन डिजीज एंड पेस्ट इसका क्या मतलब है आपको पता होगा ग्रीन रेवलेशन ने किसको फेवर किया मोनोप्रोपिन को अल्टीमेटली जो आपका वीट है पेडी है और उसमें से भी कुछ ऐसे सिलेक्टिव वैराइटीज़ जो हाई एड देती हैं फार्मर ने उन्हीं को ही अडोप्ट किया तो इस वजह से क्या हुआ कि एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करने से जो डिजीजेस थी जो पेस्ट थे उनमें रेजिस्टेंस आ गया अब वो लोग ईजिली क्रॉप को अटैक कर सकते हैं उसमें इन्फेस्टेशन कर सकते हैं और बार बार उसी हर्बिसाइड उसी फर्टिलाइज़र को या सॉरी बार बार उसी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड को डालने से भी हर साल उनमें रेसिस्टेंस देखने को मिल गया उन्होंने खुद को ऐसे डेवलप कर लिया है कि अब उन पर इन केमिकल्स का कोई असर नहीं होता एक तो ये और इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं इसमें मैंसन करना भूल गया कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जो नेचुरल प्रिडिटर्स होते हैं जो फसलों को खाते हैं उनको ये मार गिराते हैं जो नेचुरल प्रिडिटर्स होते हैं तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ लेडी बर्ड बिटल ये क्या करता है एफिड एक इंसेक्ट है उन पर ये फीड करता है एफिड जो कि पत्तियों को खाता है पर ये लेडी बर्ड बिटल उन सबको मार के खा जाती है तो ये नेचुरल प्रीडिटर है एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल्स इनकी पॉपुलेशन को कम कर दिया है इसके साथ साथ स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई ग्रीन रोवेशन के बाद नई टेक्नोलॉजी का अडोप्शन हुआ लाइक कंबाइन हारवेस्टर कम्बाइंड हारवेस्टर में क्या होता है कि इसमें फील्ड में स्ट्रो विद रूट ये फील्ड में छूट जाते हैं खाली जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें सीड्स होते हैं उसका ही ये कटिंग करती है तो इस वजह से क्या होता है कि फार्मर्स को बर्निंग करनी पड़ती है स्ट्रो और जो रूट है स्ट्रो इनकी बर्निंग करनी पड़ती है और ड्यू टू हैवी यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स उनको ये फीड की तरह भी यूज नहीं कर सकते फॉर देयर कैटल्स तो इसलिए उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि उनको स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है इसके साथ साथ मेन पॉइंट नो फोकस ऑन मिलेट्स पल्सेज एंड ऑयल सीड क्रॉप्स तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ दो तीन दो चार क्रॉप्स थी उन पर ही फोकस किया गया जो आपकी पल्सेज ऑयल सीड मिलेट्स इन पर फोकस नहीं किया गया तो अभी आप देखते भी होंगे कि जो ऑयल्स ऑयल्स है जो तेल है उसको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि अब इनपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया आपका फ़र्टिलाइज़र का इनपुट पानी का इनपुट तो ये सारी चीज़ें की वजह से हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है इन एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज़र का जो रिस्पॉन्स था वो डिक्रीज़ हो गया है यानी कि जो फूड ग्रेन्स इन केजी प्रोड्यूस पर फर्टिलाइज़र इन केजी, जी एक के फर्टिलाइज़र डालने से पहले बहुत ज़्यादा ये आता था बट अब एक के डालने से बहुत कम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है आप देख सकते हैं नाइनटीन में वन के देने से आपका ट्वेल्व पॉइंट वन के जी ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होता था बट इन टू थाउजेंड टेन इट केम डाउन देख सकते हैं क्या सिचुएसन होगी वन के जी डालने से आपका फाइव के जी ही ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये किस वजह से क्योंकि जो सॉइल की इनहेरेंट हेल्थ थी सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय uh, हो चुकी हैं ड्यू टू एक्सेसिंग व्यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो uh, मिट्टी में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं होता है और ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जो हेल्प करती हैं मिनलाइजेशन में तो ये सारी की सारी प्रोसेस हेम्पर हो चुकी हैं इसके साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटीज़ आपको पता होगा कि खाली कुछ ही स्टेट्स थे कुछ ही ऐसे जगह थी जैसे यूपी पंजाब हरियाणा यहीं पर फोकस किया गया जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड है या ईस्टर्न रीजन है जैसे आपका असम बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया यहाँ पर फोकस नहीं किया गया ग्रीन इनोवेशन का तो अगर बात करी जाए तो इट अफेक्ट ऑनली फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया सिक्सटी परसेंट एरिया में इसने कोई फोकस नहीं किया चलिए ये बात हो रही है हमारी कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फर्टिलाइज़र का कंजप्शन इंक्रीज़ हो गया नाइनटीन एटीज में अगर आप देखेंगे तो एन पी के का यूज़ था फोर्टी थर्टीन एंड सिक्स ये आपका नाइट्रोजन है ये फॉस्फोरस है ये पोटेशियम है पर अब अगर आप देखेंगे दो हज़ार इक्कीस बाईस में तो वन नाइनटी फोर नाइट्रोजन 78 केजी के जी एंड 25.5 केजी के जी पोटास यूज़ किया जाता है सॉरी इन लैक टन्स वन नाइन्टी फोर नाइट्रोजन 78 एट लैक टन्स फॉस्फोरस एंड 25 फाइव लैक ऑफ पोटेशियम ये बात हो रही है पूरे इंडिया की इंडिया का पर ईयर इतना यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का तो ये सिचुएसन होगी है अब थोड़ा हम बात करेंगे पंजाब की केस स्टडी के बारे में पंजाब पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी पॉजिटिव इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन के अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब ने क्या किया कि क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दिया 1980 से लेकर 2021 तक पूरा एकदम चेंज आ गया क्रॉपिंग पैटर्न में वो कैसे हुआ जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था सी का गठन हुआ था नाइनटीन सिक्सटी फाइव में तो गवर्नमेंट ने एन एम एस पी का कॉन्सेप्ट लेके आया उन्होंने एश्योरिटी की दी कि जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन होगा उसका वो प्रोक्योरमेंट कर लेंगे राइस का वीट का तो इस वजह से क्या हुआ कि पैडी और वीट में टोटल क्रॉप एरिया इंक्रीज़ हो गया पैडी का शेयर पहले था आपका सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट उसके बाद ये इंक्रीज़ होकर फोर्टी परसेंट हो गया जितना भी वहाँ प्रोडक्शन होता था उसमें से फोटी पैडी का ही प्रोडक्शन हो रहा है तो इस वजह से क्या हुआ कि जो पहले से बहुत टाइम से ट्रेडिशनली जो क्रॉपिंग पैटर्न चला हुआ आ रहा था वो एकदम से चेंज हो गया और आपको पता भी होगा कि राइस एक हैवी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है पानी का यूज़ इसमें बहुत होता है तो इसने ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सपोर्टेशन कर दिया और जिस वजह से ग्राउंड वाटर में डिप्रेशन देखने को मिला और इसके साथ साथ जैसे शुगर केन है शुगर का भी बहुत ग्रोइंग करी जाती है पंजाब में तो इससे भी ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेशन हो गया नाइट्रिटिक फर्टिलाइजर का यूज़ करके ग्राउंड वाटर जितना है वो सब पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है पंजाब हरियाणा में चलो ये तो ठीक है पर मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि जब आ, स्टार्टिंग में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था सीट्स लाए गए थे सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हर्या, हरियाणा को ही क्यों सिलेक्ट किया गया था क्योंकि नाइनटीन में भागड़ा नंगल डैम नया नया बना था और वहाँ का कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा था पंजाब हरियाणा का इसलिए वहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रीन रिवोल्यूशन का इफेक्ट वहीं देखा जाता है वहीं इम्प्लीमेंट किया गया चलिए नाइनटीन एटीज़ की बात करें तो पल्सेस का तब से लेके अभी तक डिक्रीज ही हो रहा है पल्सिस हो गया आपका ऑयल सीड हो गया बाजरा तो खैर चलिए मान सकते हैं कि स्टैगनेशन है मेज देखिए ये एकदम सीधी लाइन बट पैडी के केस में क्या है पैडी में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई और अब ये एक स्टैग्नेसन कंडीशन में आ गया है आफ्टर द 2019 बट नाइनटीन से लेके अगर हम टू तक देखें एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था तो ये एक क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करने की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुए और ये नुकसान आजकल बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स में भी आते हैं कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है तो ये थे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर मैंने कुछ डेटा यहाँ पर इंक्लूड किया है फर्टिलाइजर का डेटा ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी तो पहला चीज़ ये कि एन के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटास का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इंडिया में यूपी में टॉप इन नाइट्रोजन कंजम्प्शन स्टेट यूपी इज़ इन टॉप फॉस्फोरस के केस में भी यूपी टॉप में है बट पोटास केस में महाराष्ट्र इज इन टॉप इसके साथ साथ सेक्टोरियल शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करेंट बेसिक प्राइस जी में कितना शेयर है एग्रीकल्चर का यह है दो हजार बाईस का डेटा तो इसमें अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 19 परसेंट जो कि 2022 हजार -202 में हो चुका है 21.1 परसेंट क्रॉप का अगर शेयर देखेंगे तो टेन पॉइंट फोर परसेंट ये इक्कीस बाइस के अकॉर्डिंग लाइव स्टॉक का फाइव पॉइंट सेवन परसेंट फॉरेस्ट्री एंग लॉग इनका वन पॉइंट फाइव फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का वन पॉइंट थ्री परसेंट दो हजार बाईस तेईस का मेरे को सिर्फ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री का डेटा मिला जिसमें ट्वेंटी वन पॉइंट वन सीयर है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग का चलिए अब हम आते हैं लास्ट स्लाइड पर एक टर्म आपने सुनी होगी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन तो ग्रीन रेवोल्यूशन में तो हमने सिर्फ राइस और वीट पर ही फोकस किया सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी दे दे। अभी इसकी बात चलती है बार बार कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहिए जिस पे मेन फोकस होना चाहिए आपका पल्सेस, ऑयल सीड एंड अदर क्रॉप्स जो आपके मिलेट्स है इन पे फोकस किया जाएगा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में इसके साथ साथ, साथ सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस किया जाएगा इन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है कि कम से कम इनपुट का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना इसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रखना इकोलॉजिकल बैलेंस और आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ऑर्गेनिक बेस्ड फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एडोप्ट करना रेसिस्टिव क्रॉप का यूज़ करना तो ये कुछ फोकस रहेंगे सेकेंड ग्रीन रेवल्यूशन में तो दोस्तों ये वीडियो थी आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलता आपसे नेक्स्ट टाइम टिल देन। टाटा बाय बाय एंड टेक